गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक सॉइल हमने कंप्लीट, मैंने पूरी उसकी स्ट्रक्चर टेक्सचर वगैरह हो गया है, तो उस अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि कल्टीवेशन जब हमें करना है तो कल्टीवेशन में फर्स्ट हम जो स्टेप ले रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं, टीलेज बोल रहे हैं, टीलिंग बोलते हैं बच्चों, टीलेज। ठीक है, उसकी डेफिनेशन व्हाट इज़ टीलेज, क्या होता है, टाइप ऑफ टीलेज, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज, मेन फील्ड प्रिपरेशन क्या रहती है। तो टीलेज क्या है, टीलेज ऑपरेशन इन वेरियस फॉर्म हैव बीन प्रैक्टिस फ्रॉम वेरी इंसेप्शन ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, प्रिमिटिव मैन यूज टूल टू डिस्टर्ब द सॉयल फॉर प्लेसिंग द सीड्स। सीड्स को प्लेस करने के लिए वो क्या करते हैं, उस जगह पे सॉयल को डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी ना किसी टूल्स को यूज करते हुए। तो सॉयल को जो डिस्टर्ब करना होता है, एक तरह से प्रिपरेशन जो होती है कल्टीवेशन की, वो किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, हम टीलेज के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो द वर्ड टीलेज इज ड्राइव फ्रॉम किससे बना है, एंग्लो सेक्शन वर्ड टीलियन या टीओलियन मीन्स टू प्लग एंड प्रिपेयर सॉइल फॉर सीड टू शो। यानी हमें क्या करना है, प्लगिंग करनी है और सॉइल को प्रिपेयर करना है किस लिए, फॉर द सोइंग ऑफ सीड्स, टू कल्टीवेट एंड टू रेज क्रॉप्स। ठीक है, जेथ्रो टूल हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टीलेज। फादर ऑफ टीलेज किसे कहा, जेथ्रो टूल्स सजेस्ट द थ्रू प्लगिंग इज नेसेसरी सो एज टू मेक द सॉयल इन टू फाइन पार्टिकल्स। यानी यहाँ पे बच्चों मैंने टीलेज स्टार्ट किया है, ठीक है, तो टीलेज में आपको क्या बता रही हूँ, टीलेज में सॉयल की प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं और प्रिपरेशन क्यों करनी होती है, फॉर द सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स को सो करने के लिए, फॉर द कल्टिवेशन और फॉर द ग्रोइंग, फॉर द रेज ग्रो सॉरी क्रॉप क्रॉप को रेंज करने के लिए। तो फर्स्ट फादर ऑफ टीलेज हमने कौन देखे, जेथ्रो टूल्स, जो कि फादर ऑफ टीलेज थे, जिन्होंने क्या बताया, डेट थ्रू प्लगिंग इज नेसेसरी सो एज टू मेक द सॉइल इन टू फाइन पार्टिकल्स। की प्लगिंग क्यों जरूरी होती है, सॉइल को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन यदि हम टीलेज की देखें तो व्हाट इज टीलेज, टीलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशन आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप। क्लियर हो गया कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन करना सॉइल का विद द यूज ऑफ टूल्स और इम्प्लीमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए, फॉर आइडियल सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग के एस्टेब्लिशमेंट के लिए और ग्रोथ ऑफ क्रॉप, क्रॉप की ग्रोथ के लिए। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है, तो जो कंडीशन मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, टिल्थ। टिल्थ इज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, सॉइल की वो फिजिकल कंडीशन ऑब्टेन्ड आउट ऑफ टीलेज, टीलेज के बाद जो सॉइल की कंडीशन हमें मिलती है, डैट इज टिल्थ। द टिल्थ मे बी अ कोरस टिल्थ, फाइन टिल्थ और मॉडरेट टिल्थ, डिपेंड करता है कि उसमें सॉइल के पार्टिकल्स कैसे हैं, उस अकॉर्डिंग कोरस टिल्थ, फाइन टिल्थ एंड मॉडरेट टिल्थ। देन नेक्स्ट आते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ टीलेज। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीलेज में मेनली क्या रहता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीलेज की बच्चों में बात करूँ, टू प्रिपेयर अ गुड सीड बेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, गुड सीड बेड को प्रिपेयर करना है, विच हेल्प द जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड के जर्मिनेशन में जो हेल्प करे, टू क्रिएट कंडीशन इन द सॉयल सूटेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। यानी उसमें इस तरह की कंडीशन को क्रिएट करना जिससे क्रॉप की ग्रोथ बेटर हो सके, टू कंट्रोल द वीड इफेक्टिवली, वीड्स जो है उसको कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। वीड्स बच्चों हमें पता होने चाहिए, अनवांटेड प्लांट्स जो कि क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको हमें हटाना पड़ता है। तो पहले से ही सॉइल की प्रिपरेशन इस अकॉर्डिंग करें कि वीड्स जो है वहाँ पे डेवलप्ड ही ना हो, ग्रो ही ना हो, टू मेक द सॉइल कैपेबल फॉर एब्जॉर्बिंग मोर रेन वाटर। इस तरह से हमें प्रिपेयर करना होता है कि रेन वाटर को अच्छे से एब्जॉर्व कर सके, टू मिक्स अप द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली इन द सॉइल, सॉइल में हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर मिक्स करने चाहिए, टू इरेटेड द सॉइल, सॉइल को रेगुलर क्या इस तरह से होनी चाहिए कि वो इरेटेड हो, टू प्रोवाइड एडिक्वेट सीड सॉइल कॉन्टैक्ट, टू परमिट वाटर फ्लो टू सीड एंड सीडलिंग रूट्स। इस तरीके से हमें सीड्स और सॉइल का कॉन्टैक्ट करना चाहिए कि उन्हें उसके बीच का वाटर आराम से मिल सके, जिससे रूट्स जो हैं अच्छे से डेवलप्ड हों, टू रिमूव द हैंड पैन एंड टू इंक्रीज द सॉइल डेप्थ। ठीक है, हार्ड पैन को हमें हटाना है वहाँ से, सॉरी हैंड नहीं है, हार्ड पैन को वहाँ से हटाना है और उसमें सॉइल की डेप्थ को इंक्रीज करना है। ठीक है,
टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव द सॉइल इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओपन अप एंड टर्न्ड ओवर. क्लियर. नेक्स्ट आ रहे हैं हम टाइप ऑफ टीलेज. टाइप ऑफ टीलेज डिपेंड करता है टू टाइप ऑफ ग्रुप हमने यहाँ बनाए, ऑन सीजन सीजन टीलेज और ऑफ सीजन. सीजन में उसी सीजन में अपन हमें क्रॉप ग्रो करनी है और तब हम क्या प्रैक्टिस ले रहे हैं वो क्या कहलाएगी, ऑन सीजन टीलेज. ऑफ सीजन टीलेज में क्या होता है आपके बच्चों कि ऑफ सीजन में सीजन नहीं है उससे पहले ही हम प्रिपेयर कर देते हैं. ठीक है. तो ऑन सीजन टीलेज, टीलेज ऑपरेशन डेट आर डन फॉर राइजिंग क्रॉप इन द सेम सीजन. क्लियर हो गई ये बात. सेम सीजन के लिए और एट द ऑनसेट ऑफ क्रॉप सीजन आर नॉन एज ऑनसेट सीजन टीलेज. दे मे बी प्रिपरेटिव कल्टिवेशन और आफ्टर कल्टिवेशन. ठीक है. ये प्रिपरेटिव दो तरह से रहता है, प्रिपरेटिव और आफ्टर कल्टिवेशन. कल्टिवेशन के बाद उसी सीजन में जब हमें क्रॉप ग्रो करनी है तो उसके बाद प्रिपरेशन के समय जब हमें कल्टीवेशन करना उस समय. तो दो तरीके से करते हैं बच्चों ये हम. ऑन सीजन क्लियर हो गया, जिस सीजन में क्रॉप को ग्रो कराना है उसी सीजन में उसमें टीलेज की प्रोसेस करनी होती है. ऑन सीजन के अकॉर्डिंग मैंने दो बताई, प्रिपरेटरी और टीलेज, और सेकंड मैंने आपको बताई आफ्टर कल्टीवेशन. ठीक है. प्रिपरेटरी टीलेज की बात करें बच्चों, दिस रेफर टू टीलेज ऑपरेशन डेट आर डन टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर रेंजिंग क्रॉप. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए. इट कंसिस्ट ऑफ डीप ओपनिंग. इसमें क्या करते हैं हम, डीप ओपनिंग रखते हैं. ठीक है. एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल टू ब्रिंग अबाउट अ डिजायरेबल टिल्ट एज वेल एज टू इनकॉर्पोरेट और अन अपरूट वीड्स एंड क्रॉप स्टूबल्स व्हेन द सॉइल इज इन वर्केबल कंडीशन. यहाँ हमें क्या करना है कि डीप ओपनिंग रखनी है एक तो, सेकंड हमें सॉइल की लूज होनी चाहिए सॉइल, ताकि वहाँ पे डिजायरेबल टिल्ट फॉर्म हो सके. ठीक है. एज वेल एज टू इनकॉर्पोरेट, उसमें हम इनकॉर्पोरेट और अपरूट वीड्स कि हम उसमें जो सीड्स हमें इनकॉर्पोरेट करने करें और अपरूट सीड्स को बाहर निकाल सकें वीड्स को, एंड क्रॉप स्टूबल्स व्हेन द सॉइल इज इन वर्केबल कंडीशन, वर्केबल कंडीशन में हो तब. दो तरह के होते हैं, प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी टीलेज. प्राइमरी टीलेज में क्या कर रहे हैं बच्चों, द टीलेज ऑपरेशन डेट इज डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप. क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद जस्ट बाद ही हमने क्या कर दिया, टीलेज की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया. क्रॉप टू ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन इज नॉन एज प्राइमरी टीलेज, या प्लगिंग भी बोलते हैं इसे बच्चों. प्लगिंग इज एन द ऑपरेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लग्स. प्लगिंग ओपनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट सॉइल होता है, उसे किसके यूज से कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लग्स के यूज से कर रहे हैं. कौन कौन से प्लग्स होते हैं, कंट्री प्लग्स, मोल्ड ब्रॉड प्लग्स, बॉस प्लग्स, ट्रैक्टर्स हो गए, पावर टीलर ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स आर यूज फॉर प्राइमरी टीलेज. ठीक है. एक तरह से खुदाई करना मिट्टी में, तो उसके लिए अलग अलग प्लग्स होते हैं. हिंदी में यदि प्लगिंग बोलें तो एक तरह से जुताई करना भी बोलते हैं उससे बच्चों. नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी टीलेज, द टीलेज ऑपरेशन डेट आर परफॉर्म ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टीलेज. प्राइमरी टीलेज के बाद हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी टीलेज कर रहे हैं. टू ब्रिंग अ गुड सॉइल टिल्ट आर नॉन एज सेकेंडरी टीलेज. सेकेंडरी टीलेज कंसिस्ट ऑफ लाइटर एंड फाइनर ऑपरेशन. उसमें तो हमने उसमें क्या करा, एक तरह से काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स वगैरह की हेल्प से बहुत सारे अलग अलग लेन बना दिए. ठीक है. देयर आफ्टर हम अब उसमें क्या कर रहे हैं कि इस तरह से ऑपरेशन करते हैं कि उसमें जो सॉइल्स हो वो फाइन सॉइल रहती है. सेकेंडरी टीलेज कंसिस्ट ऑफ लाइटर और फाइनर ऑपरेशन विच इज़ डन टू क्लीन द सॉइल. सॉइल को क्लीन करने के लिए ब्रेक्स द क्लॉट्स, उसके अंदर बड़े बड़े क्लॉट्स होते हैं उनको ब्रेक करना, एंड इनकॉर्पोरेट द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ठीक है. मैन्योर और फर्टिलाइजर को सॉइल के अंदर मिक्स करना. प्राइमरी टीलेज में तो हमने अलग अलग लेन फॉर्म करें विद द यूज ऑफ प्लग्स, यानी प्लगिंग करी एक तरह से. और नेक्स्ट में हमने क्या करा, जो सॉइल हमें मिली है उस सॉइल में सबसे पहले उसको क्लीन किया, क्लॉट्स जो थे उनको ब्रेक किया, एंड देयर आफ्टर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर को मिक्स कर दिया. ठीक है. हॉरोइंग एंड प्लगिंग इज डन टू सर्व दीज पर्पज. प्लैंकिंग क्या है बच्चों, प्लैंकिंग इज डन टू क्रश द हार्ड क्लॉट्स. हार्ड क्लॉट्स को क्रश करना, लेवल द सॉइल सरफेस एंड टू कॉम्पैक्ट द सॉइल लाइटर. हॉरोज कल्टिवेटर्स क्या क्या इसके लिए यूज करते हैं बच्चों, हॉरोज कल्टिवेटर्स, गेंटकास, स्पैड आर यूज फॉर सेकेंडरी टीलेज. तो ये आपका क्या हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी एंड लास्ट हम आते हैं लेआउट द सीड बेड. अब क्या हुआ, हमने प्राइमरी में उसका एक कंप्लीट प्लगिंग कर ली. आफ्टर प्लगिंग उसमें जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स को हमने फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया, मैन्योर फर्टिलाइजर सब मिला दिया. अब हम पूरी कंप्लीट लेआउट करते हैं पूरी सीड बेड का. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्रिपरेटरी टीलिंग, लेवलिंग करना एक तरह से
board, buck scrapers एक्सेट्रा आर यूज फॉर लेवलिंग एंड मार्कर्स आर यूज फॉर लेआउट द सीट बेड. पूरा लेआउट करना उसका क्या कहलाना है आपका, लेआउट द सीट बेड. नेक्स्ट आते हैं आफ्टर कल्टिवेशन. पहला था प्रिपरेटरी, दूसरा है आफ्टर कल्टिवेशन. इंटर टीलेज भी बोलते हैं बच्चों इसे. द टीलेज ऑपरेशन डेट आर कैरिड आउट इन द स्टैंडिंग क्रॉप आफ्टर द सोइंग और प्लांटिंग एंड प्रायर टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट आर कॉल्ड आफ्टर टीलेज. हमने क्या करा, उसमें सोइंग कर दी सीड की, प्लांटिंग कर दी, ठीक है. उसके बाद जो हम प्रोसेस ले रहे हैं, दिस प्रोसेस नॉन एज आफ्टर कल्टिवेशन, ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर कल्टिवेशन और पोस्ट सीडलिंग एंड प्लांटिंग कल्टिवेशन भी कहा जा रहा है. इट इंक्लूड्स हॉरोइंग, होइंग, वीडिंग, अर्थिंग अप, ड्रिलिंग, साइड ड्रेसिंग ऑफ फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, स्पैड होए वीडर्स एंड आर यूज फॉर इंटर कल्टिवेशन. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं ऑफ सीजन टीलेज. ये हो गया ऑन सीजन, सीजन में जो कर रहे हैं. अब ऑफ सीजन टीलेज की बात करते हैं. टीलेज ऑपरेशन डन फॉर कंडीशन द सॉयल सुटेबल फॉर द फोर्थ कमिंग मेन सीजन क्रॉप आर कॉल्ड ऑफ सीजन टीलेज. क्लियर हो गया कि हम क्या कर रहे हैं. ये ऑपरेशन जो होता है वो सॉइल की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए होता है, आने वाले सीजन के लिए. आने वाले सीजन में जो क्रॉप हमें ग्रो करानी है, यानी उस पर्टिकुलर सीजन में नहीं कर रहे, उससे पहले हम उसको तैयार कर रहे हैं क्रॉप को, सॉरी लैंड को, पूरी की पूरी फील्ड जो होती है उसको. ऑफ सीजन टीलेज में भी पोस्ट हार्वेस्टेड टीलेज, समर टीलेज, विंटर टीलेज एंड फेलो टीलेज. स्पेशल पर्पज़ टीलेज नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं. टीलेज ऑपरेशन इंटेंडेड टू सर्व स्पेशल पर्पज़. यदि किसी स्पेशल पर्पज़ को, ये स्पेशल क्रॉप यदि हमें वहाँ ग्रो करानी है, उसके लिए यदि जो टीलेज करते हैं उसे स्पेशल पर्पज़ टीलेज कहते हैं. इसमें अलग अलग होते हैं. फर्स्ट आता है सब सॉइलिंग टू ब्रेक द हार्ड पैन बीनीथ द प्लग लेयर. प्लग लेयर हम लोगों ने बना ली है, उसके नीचे जो हार्ड पैंस होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए स्पेशल टीलेज ऑपरेशन इज परफॉर्म टू रिड्यूस कॉम्पैक्शन. सब सॉइलिंग इज असेंशियल एंड वन इन 4 to 5 years वेयर हैवी मशीनरीज आर यूज फॉर फील्ड ऑपरेशन, सीडलिंग, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग. तो ये 4 to 5 years के बीच में एक बार सब सॉइलिंग करनी होती है ताकि जो उसमें हार्ड पैन होते हैं वो ब्रेक हो जाएं. एडवांटेज ऑफ सब सॉइलिंग आर ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सॉइल मे बी ऑब्टेन फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. जिससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें सॉइल का वॉल्यूम मिल जाता है. एक्सेस वाटर मे परकोलेटेड डाउनवर्ड, एक्सेस वाटर जो उसमें रह जाता है वो नीचे की तरफ चला जाता है टू रिचार्ज द परमानेंट वाटर टेबल, रिड्यूस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन एंड रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट कैन पेनिट्रेट डीपर टू एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द वाटर टेबल. क्लियर हो गई बात. सब सॉइलिंग सिंपल है कि हमने 4 to 5 years तक रेगुलर टीलेज करा है. अब हम क्या करते हैं आफ्टर प्लांटिंग, उसमें ये प्रोसेस करते हैं. इस प्रोसेस से क्या होता है कि सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर होता है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, और उसके अलावा जितना भी है सॉइल एरिएटेड हो जाती है, और उसमें अच्छी क्वांटिटी में हम इसको ग्रो करा पाते हैं, इसे क्रॉप को. नेक्स्ट आते हैं क्लीन टीलेज. क्लीन टीलेज क्या है, इट रेफर टू वर्किंग ऑफ सॉइल ऑफ द एंटायर फील्ड इन सच अ वे नो लिविंग प्लांट्स इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. कि हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस में हम सॉइल पे ही वर्क करते हैं एंटायर फील्ड की, तो इसमें जो लिविंग प्लांट्स होते हैं वो अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं. इट इज़ प्रैक्टिस टू कंट्रोल वीड्स. वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, सॉइल बॉर्न पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए, और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी टीलेज करते हैं, क्लीन टीलेज. नेक्स्ट है ब्लाइंड टीलेज. इट रेफर टू टीलेज डन आफ्टर सीडलिंग एंड प्लांटिंग द क्रॉप. सीड्स आ गए हैं, प्लांट डेवलप्ड हो रहे हैं, आइदर एट द प्री एमरजेंसी स्टेज ऑफ द क्रॉप प्लांट एंड वाइल दे आर इन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, सो दैट क्रॉप प्लांट्स डू नॉट गेट डैमेज बट एक्स्ट्रा प्लांट एंड ब्रॉट्स लेवल लीव्ड वीड्स आर अपरूटेड. ठीक है, यहाँ पे हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया. यहाँ एग्जैक्टली हम इसमें बात कहें तो जो वीड्स होते हैं उसको हम अलग कर देते हैं, और जो मेन वहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, डैमेज नहीं होते हैं. ड्राई टीलेज एंड वेट टीलेज की बात करें, ड्राई टीलेज इज प्रैक्टिस फॉर क्रॉप डेट आर शोन एंड प्लांटेड इन ड्राई लैंड कंडीशन. ड्राई लैंड कंडीशन में जो क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसमें जो टीलेज हम लोग यूज कर रहे हैं, डेट टीलेज इज नॉन एज ड्राई टीलेज हैविंग सफिशियंट मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. उसके पास जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए सफिशियंट मॉइस्चर होता है. दिस इज सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक ब्रॉडकास्टेड राइस. किसके लिए ये सुटेबल होता है, ब्रॉडकास्टेड राइस के लिए, जूट, वीट, ऑयल सीड्स क्रॉप, प्लग्स, पोटेटो, वेजिटेबल क्रॉप. ड्राई टीलेज इज डन इन अ सॉइल हैविंग सफिशियंट मॉइस्चर. ड्राई टीलेज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे सफिशियंट मॉइस्चर
होता है सॉइल में. द सॉइल बिकम मोर पोरस एंड सॉफ्ट ड्यू टू ड्राई टीलेज. बिसाइड्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड एरिएशन आर इंक्रीज. ड्राई टीलेज से क्या होती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है और एरिएशन इंक्रीज होता है. दिस कंडीशन आर मोर फेवरेबल फॉर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट आते हैं वेट टीलेज. पुडलिंग भी नाम देते हैं बच्चों इसे. द टीलेज ऑपरेशन डैट इज डन इन अ लैंड विद स्टैंडिंग वाटर इज कॉल्ड वेट टीलेज. की वाटर रहता है सॉइल में, इस तरह का जो टीलेज होता है वेट टीलेज कहला रहा है. पुडलिंग ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ प्लगिंग रिपीटेडली इन स्टैंडिंग वाटर. उसमें स्टैंडिंग वाटर में रिपीटेडली प्लगिंग करनी होती है हमें, ठीक है, अंटिल द सॉइल बिकम सॉफ्ट एंड मडी. सॉइल जो है सॉफ्ट और मडी ना हो जाए. पुडलिंग क्रिएट एन इम्प्रेसिव लेयर बिलो द सर्फिस टू रिड्यूस डीप परकुलेशन लॉसेज ऑफ वाटर एंड टू प्रोवाइड सॉफ्ट सीड बेड फॉर द प्लांटिंग राइस. मेनली राइस के लिए होता है बच्चों. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो राइस में ही, क्या, वाटर में ही ग्रो करते हैं, तो हम उस वेट जो सर्फेस होती है उस वेट सर्फेस को रेगुलरली उसकी प्लगिंग करते हैं. तो प्लगिंग करने से वहाँ पे जो एरिया है पानी ऊपर और सॉइल नीचे उस तरीके से नहीं रहता है, मडी रहता है. तो मडी रहने से राइस को क्या होता है, वाटर भी जितनी क्वांटिटी में उसे चाहिए होता है उतना मिल पाता है, ठीक है, और वो जो सॉइल होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती चली जाती है वहाँ की. पुडलिंग इज डन इन बोथ द डायरेक्शन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड वीड्स. वेट टीलेज डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल पार्टिकल्स डैट आर सेपरेटेड ड्यूरिंग पुडलिंग सेटल लेटर. वेट टीलेज इज ओनली मीन ऑफ लैंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सेमी एक्वेटिक क्रॉप में किया जाता है. क्लियर अभी बोला कि जो ऐसे प्लांट जिनको ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर चाहिए पर केवल वाटर नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सब एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. सच एज राइस प्लैंकिंग आफ्टर वेट टीलेज मेक द सॉयल लेवल एंड कॉम्पैक्ट. पुडलिंग हैस्टर्न ट्रांसप्लांटिंग ऑपरेशन एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग. वेटलैंड प्लग्स और वॉर्न आउट ड्राई लैंड प्लग्स आर नॉर्मली यूज फॉर वेट टीलेज. अब आते हैं नेक्स्ट. ये तो हमारा क्लियर हुआ कि हम अलग अलग तरह से कैसे टीलेज किस एरिया में किस तरीके से टीलेज प्रोसेस यूज में लेते हैं. अब आते हैं डेप्थ ऑफ प्लगिंग. प्लगिंग की डेप्थ को डिसाइड करना. द डिजायरेबल डेप्थ ऑफ प्लगिंग इज नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, 12 टू 20 सेंटीमीटर फॉर फील्ड क्रॉप. द प्लगिंग डेप्थ वेरीज विद इफेक्टिव रूट जोन ऑफ द क्रॉप. द डेप्थ ऑफ प्लगिंग इज 10 टू 20 सेंटीमीटर फॉर सैलो रूटेड क्रॉप्स एंड 15 टू 30 सेंटीमीटर फॉर डीप रूटेड. डीप रूटेड के लिए इसकी डेप्थ इतनी होनी चाहिए और सैलो रूटेड के लिए 10 टू 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए. नंबर ऑफ प्लगिंग कितनी होनी चाहिए. नंबर ऑफ प्लगिंग डिपेंड ऑन द सॉइल कंडीशन. सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड करता है. टाइम अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन बिटवीन टू क्रॉप के बीच का टाइम कितना है एंड टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम. क्रॉपिंग सिस्टम हम कौन सा यूज में ले रहे हैं. जीरो टीलेज इज प्रैक्टिस इन राइस फॉलो पल्सेज, ठीक है. मिनिमम नंबर ऑफ प्लगिंग इज टेकन अप एट ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल टू ब्रिंग फेवरेबल टिल्थ डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ द क्रॉप. टाइम ऑफ प्लगिंग, टाइम जो होता है वो डिपेंड कर रहा है. द ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर कंटेन फॉर टीलेज इज 60% ऑफ फील्ड कैपेसिटी. फील्ड कैपेसिटी का 60% होना चाहिए, ठीक है, द ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर. मॉडर्न कंसेप्ट इन टीलेज. टीलेज का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है. कन्वेंशनल टीलेज इन्वॉल्व प्राइमरी टीलेज टू ब्रेक ओपन एंड टर्न द सॉइल फॉलोड बाय सेकेंडरी टीलेज टू ऑब्टेन सीड बेड फॉर सोइंग प्लांटिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स इन इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम. देखो बच्चों, प्राइमरी तो सिंपल है, जिस तरह से हमने प्लगिंग करी थी, ठीक है, प्लगिंग करने के लिए और प्लगिंग करी और उसके बाद सॉइल को फाइन किया, मैन्योर फर्टिलाइजर्स उसमें मिलाए हमने, ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा और एक लेआउट तैयार कर लिया था. सेकेंडरी जब हम बात करें तो हमने मैन्योर फर्टिलाइजर्स जो हैं उस अकॉर्डिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स तो उसमें मिला है. उसके अलावा हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि मॉडर्न टीलेज में उसमें हर्बिसाइड्स इंक्लूड कर रहे हैं. इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम, द कंसेप्ट ऑफ टीलेज हैज़ बी चेंज्ड. कंटिन्यूस यूज ऑफ हीवी प्लग क्रिएट हार्ड पैन इन द सब सॉइल. हार्ड पैन को वो क्रिएट कर देता है, रिजल्ट इन पुअर इनफिल्ट्रेशन. इट इज मोर ससेप्टिबल टू रन ऑफ एन इरोजन. वो क्या होता है कि रेगुलर हम वहाँ पे टीलेज करते, प्लगिंग करते जा रहे हैं तो वो उसको हार्ड बना देता है सॉइल को, ठीक है. तो सॉइल को हार्ड बना देता है, पुअर फिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें और सॉइल क्या होती है वहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उठ के चले जाती है, इरोजन को भी कर रहा है. तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव एंड इंक्रीज सॉइल डिग्रेडेशन. टू अवॉइड दीज इल इफेक्ट मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलिंग इज इन रूल. फर्स्ट इज मिनिमम टीलेज.
aim at reduced tillage operation to minimum necessity for ensuring a good seed bed. The advantage of minimum tillage over conventional tillage are the cost and time for field preparation is reduced. हर जगह ध्यान रखना बच्चों, एक तो time consuming होना चाहिए work और cost consuming होना चाहिए. By reducing the number of field operations, soil compaction is comparatively less, यानी compact नहीं होनी चाहिए soil. Next is soil structure is not destroyed, soil की structure destroy नहीं होनी चाहिए. Water loss through runoff, erosion नहीं is minimum. Water loss नहीं होना चाहिए, erosion नहीं होना चाहिए. Water storage in the plugging layer is increased, plugging layer में water का store भी इतना होना चाहिए कि sufficient growth हो crop की. Tillage can be reduced in two ways. Tillage can be reduced two ways. से हम reduce कर रहे हैं by omitting operation which do not give much benefit when compared to the cost, and by combining agriculture operation like seedling and fertilizer application. The minimum tillage system can be grouped into following categories. Minimum tillage system को हम दो categories में बांट रहे हैं, तीन categories है बच्चों यहाँ पे. Row on tillage, plug plant tillage and wheel track tillage. Row on टीलेज क्या है? प्राइमरी टीलेज इज डन विद मोल्ड ब्रॉड प्लग, एक प्लग आता है उससे करना है इन द एंटायर एरिया ऑफ द फील्ड. सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन लाइक डिसिंग एंड हरोइंग आर रिड्यूस एंड डन ओनली इन रोज ऑन में करते हैं. प्लग प्लांट टीलेज क्या है? आफ्टर द प्राइमरी टीलेज अ स्पेशल प्लांटर्स इज यूज्ड. यहाँ पे एक स्पेशल प्लांटर्स यूज किया जाते हैं फॉर शोइंग इन वन रन ओवर द फील्ड एंड द रो जॉन इज पल्वराइज्ड एंड सीड आर शोन बाय द प्लांटर. प्लांटर के थ्रू हम वहाँ पे सीड्स की सोइंग कर रहे हैं. व्हील ट्रैक टीलेज, प्राइमरी प्लगिंग इज डन एज यूजल. ट्रैक्टर्स यूज किए जाते हैं वहाँ पे फॉर द प्लगिंग. यहाँ पे प्लगिंग बस ध्यान रखना है, यहाँ पे मोल्ड ब्रॉड प्लग है, यहाँ पे प्लांटर्स है और यहाँ पे ट्रैक्टर्स हैं. द व्हील ऑफ द ट्रैक्टर्स पल्वराइज द रो जोन इन विच प्लांटिंग इज डन. इन ऑल दिस सिस्टम प्राइमरी टीलेज इज यूजल, हाउएवर सेकेंडरी टीलेज इज रिप्लेस्ड बाय द डायरेक्ट सोइंग इन विच शोन सीड इज कन्वर्टेड कवर्ड इन द रो जोन विद द इक्विपमेंट यूज फॉर सोइंग. क्लियर, ये बात समझ में आई? प्राइमरी तो जैसा था वैसा ही है, सेकेंडरी में इसमें चेंजेज आ रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं जीरो टीलेज, नो टीलेज बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. इन दिस न्यू क्रॉप इज प्लांटेड इन द रिड्यूस ऑफ द प्रीवियस क्रॉप विदाउट एनी प्रायर सॉइल टीलेज. हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर ली. आफ्टर डैट हम क्या कर रहे हैं? दोबारा न्यू क्रॉप वहाँ पे ग्रो करा देते हैं, यानी कोई भी प्रिपरेशन नहीं करे, कोई भी टीलेज नहीं करे. तो दिस टाइप ऑफ टीलेज इज नॉन एज जीरो टीलेज. न्यू क्रॉप इज प्लांटेड एंड रिड्यूस इन द रिड्यूस ऑफ द प्रीवियस क्रॉप विदाउट एनी प्रायर सॉइल टीलेज और सीड बेड प्रिपरेशन. इट इज पॉसिबल व्हेन ऑल द वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स. जीरो टीलेज इज एप्लीकेबल फॉर सॉइल विद द कोरस टेक्सचर सरफेस हॉरिजन, गुड इंटरनल ड्रेनेज, हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी. जीरो टीलेज जो है कब एप्लीकेबल होगा? जब वहाँ पर सॉइल का जो ऑरिजिन है वो कॉरस टेक्सचर का होगा, गुड इंटरनल ड्रेनेज हो वहाँ पर, हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो सॉइल फौना की, फेवरेबल इनिशियल सॉइल स्ट्रक्चर हो एंड एडिक्वेट क्वान्टिटी ऑफ क्रॉप रिड्यूस एंड मल्च. दीज कंडीशन आर जनरली फाउंड इन एल्फी सोल्स. ये मैंने कल आपको बताई थी अलग अलग तरह की सॉइल्स के नाम, एल्फी सॉल्स, ऑक्सी सॉल्स, अल्टी सॉल्स इन द ह्यूमिड एंड सम ह्यूमिड टॉपिक्स उस जगह पे, ठीक है. टिल प्लांटिंग, नेक्स्ट आते हैं हम. टिल प्लांटिंग इज वन मेथड ऑफ प्रैक्टिस जीरो टीलेज. अ वाइड स्वीप एंड ट्रेस बार क्लियर्स अ स्ट्रिप ओवर द प्रीवियस क्रॉप रो एंड प्लांटर्स ओपन अ नैरो स्ट्रिप्स इनटू. यानी हमने यहाँ पे टीलेज नहीं करना है बट वहाँ की क्लीनिंग करनी है हमें, वहाँ पे जो पहले से हार्वेस्टिंग करी है. तो वो किससे कर रहे हैं? हम ट्रेस बार से कर रहे हैं या वाइड स्वैप से कर रहे हैं? उसके अलावा प्लांटर्स वहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं. अ नैरो स्ट्रिप्स इनटू विच सीड आर प्लांटेड एंड कवर्ड, हैंस हर्बिसाइड्स फंक्शंस आर एक्सटेंडेड. बिफोर सोइंग द वेजिटेशन प्रेजेंट हैज टू बी डिस्ट्रॉय फॉर विच ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड लाइक ग्लाइपोसेट, पैराक्वेट एंड डाइक्वेट आर यूज्ड. एडवांटेज, जीरो टीलेज सॉइल आर होमोजीनियस इन स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ अर्थवर्म्स. यानी हम जीरो टीलेज प्रोसेस कर रहे हैं तो इसमें अर्थवर्म की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए. ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज ड्यू टू लेस मिनरलाइजेशन, सरफेस रन ऑफ इज रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्च.
क्लियर। डिसएडवांटेज इसकी क्या है, हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हैज़ टू बी अप्लाइड फॉर मिनरलाइजेशन, हमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देनी पड़ती है उसको, ठीक है। पेरिनियल वीट्स में बी अ प्रॉब्लम, पेरिनियल वीट्स प्रॉब्लम देते हैं, हाई नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स प्लांट एंड बिल्डअप ऑफ पेस्ट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों स्टूबल्स मल्च टीलेज एंड स्टूबल्स मल्च फार्मिंग क्या होती है, सॉइल इज प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम आइदर बाय ग्रोइंग अ क्रॉप और बाय लीविंग द क्रॉप। सॉइल हमें प्रोटेक्ट करनी पड़ती है हर समय, चाहे हम उसमें क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं चाहे नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पीरियड में भी उसे खाली छोड़ दें तब भी। बाय लीविंग द क्रॉप रिड्यूस ऑन द सॉरी रेसिड्यू ऑन द सर्फेस ड्यूरिंग फॉलो पीरियड। स्वैप्स एंड ब्लेड्स आर जनरली यूज टू कट द सॉयल अप टू 12 टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ इन द फर्स्ट ऑपरेशन आफ्टर हार्वेस्टिंग। हमें क्या करना पड़ता है कि जब फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उस सॉइल को कट करना पड़ता है स्वैप्स और ब्लेड्स के थ्रू, एंड डेप्थ ऑफ द कट इज रिड्यूस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। वेन लार्ज अमाउंट ऑफ रेसिड्यू आर प्रेजेंट अ डिस्क टाइप इम्प्लीमेंट इज यूज, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो डिस्क लाइक इम्प्लीमेंट को यूज करना पड़ता है फॉर द फर्स्ट ऑपरेशन टू इनकॉर्पोरेट सम ऑफ दीज रेसिड्यू इन टू द सॉइल। दिस हैज टर्न द डिकम्पोजिशन बट स्टिल कीप्स इनफ रिड्यूस ऑन टॉप सॉइल। टू मैथड फॉर सोइंग क्रॉप इन स्टूबल्स मल्च टीलेज आर, फर्स्ट इज सिमिलर टू जीरो टीलेज अ वाइल्ड स्वैप एंड ट्रेसिस बार आर यूज टू क्लीन अ स्ट्रिप एंड नैरो प्लांटर शो ओपन अ नैरो फ्यूरो इन टू विच सीड आर प्लेस। सिंपल उसको क्लीन करना और उसमें फोरो डेवलप करना जिससे वहाँ प्लांट ग्रो कर सके। नेक्स्ट है अ नैरो चीसेल ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर width is worked through the soil at a depth of 15 to 30 centimeter leaving all plants residue on the surface. The chisel setter the tillage pans ko settle kar deta hai and surface crust and planting is done with special planter ke through planting ki jati hai. Disadvantage kya hai iske, the residue left on the surface residue reh jate hain bahut sare with seed bed preparation and sowing operation and the traditional tillage and sowing implement or equipment are not suitable. Isme traditional method hum use nahi kar pate under this condition. ये हो गया आपका टीलेज। अब आते हैं कंजर्वेशन टीलेज पे। कंजर्वेशन टीलेज क्या है बच्चों, नेक्स्ट आपका टॉपिक है। द मेजर ऑब्जेक्टिव इज़ टू कंजर्व सॉइल, यानी टीलेज हम कर रहे हैं बट उस कंडीशन में आपकी सॉइल जो होती है वो कंजर्व रहनी चाहिए। द मेजर ऑब्जेक्टिव इज़ टू कंजर्व सॉइल एंड सॉइल मॉइस्चर। इट इज अ सिस्टम ऑफ टीलेज इन विच ऑर्गेनिक रेसिड्यू आर नॉट इन्वर्टेड इन टू द सॉइल सच दैट दे रिमेन ऑन सरफेस। ये वो सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनिक रेसिड्यू आर नॉट इन्वर्टेड, ऑर्गेनिक रेसिड्यू इन्वर्टेड नहीं होती इन टू द सॉइल सच डैट दे रिमेन ऑन सरफेस, वो सरफेस पे रह जाते हैं एज प्रोटेक्टेड कवर अगेंस्ट इरोजन एंड इवोपरेशन। ऑर्गेनिक रेसिड्यू जो होते हैं ऊपर एक लेयर बना देते हैं जिससे इरोजन नहीं होता है, सॉइल इरोजन, ठीक है, एंड इवोपरेशन भी नहीं हो रहा है, लॉसेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। इफ स्टूबल्स फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवर ऑन द सर्फेस, यदि स्टूबल्स उसके चारों तरफ एक कवर बना रहे हैं सॉइल के ऊपर, इट इज़ यूजअली रेफर टू एज स्टूबल्स मल्च टीलेज कहा जाता है। द रेसिड्यू लेफ्ट ऑन सॉइल सर्फेस इंटरफेयर विथ सीड बेड प्रिपरेशन एंड सोइंग ऑपरेशन। हमने क्या करा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक रेसिड्यू उसके ऊपर लगा दिए जिसके कारण क्या हुआ, इवोपरेशन भी नहीं हुआ और सॉइल इरोजन भी नहीं हुआ। तो दिस टाइप ऑफ टीलेज इज नॉन एज, हमने क्या बोला, स्टूबल्स मल्च टीलेज नाम दिया था बच्चों इसे। इट इज़ ईयर राउंड सिस्टम ऑफ मैनेजिंग प्लांट रेसिड्यू विद इम्प्लीमेंट, प्लांट के रेसिड्यू को इस तरह से यूज भी कर लेते हैं हम, डेट अंडरकट रेसिड्यू लॉसेस द सॉयल एंड किल द वीड्स। एडवांटेज क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू रेसिड्यू टीलेज ऑपरेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन हो जाता है, इंप्रूव द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी इससे इंप्रूव रहती है एंड वाटर रन ऑफ भी नहीं होता है इससे। मेन फील्ड प्रिपरेशन टीलेज ऑपरेशन आर जनरली क्लासिफाइड इन टू, हमने अभी पढ़ा प्रिपरेटिव कल्टिवेशन और आफ्टर कल्टिवेशन। द प्रिपरेटिव कल्टिवेशन एंड टीलेज ऑपरेशन डेट आर डन बिफोर द कल्टिवेशन, कल्टिवेशन से पहले जो करते हैं हम, दिस प्रिपरेटिव कल्टिवेशन इज जनरली कॉल्ड अ मेन फील्ड प्रिपरेशन। द मेन फील्ड प्रिपरेशन इन्वॉल्व थ्री प्रोसेस हमने इसमें पढ़ी, मैंने स्टार्टिंग में सारा बता दिया, एक समरी है बच्चों ये, प्राइमरी टीलेज सेकेंडरी टीलेज एंड लेआउट। फॉर सोइंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट आर कंट्री प्लग, मोल्ड बोर्ड प्लग एंड डिस्क प्लग, चैजल प्लग।
एक्सेट्रा. कल्टिवेटर्स, होरोज आर जनरली यूज फॉर सेकेंडरी टीलेज परपज. हाउएवर इन प्रैक्टिस मीन द फर्स्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीलेज मे नॉट हैव एनी की डिफरेंस सिंस बोथ ऑपरेशन आर मेनली कैरिड आउट विद सम सॉरी सेम इम्प्लीमेंट्स. सेम इम्प्लीमेंट से दोनों प्रोसेस हो सकते हैं. कंट्री प्लग एंड कल्टिवेटर्स आर यूज फॉर बोथ द पर्पज. आफ्टर थ्रू प्लगिंग द फील्ड मॉडिफाइड इन अ सुटेबल वे फॉर प्लांटिंग सच एज रिजिड्स एंड फोरोज और बैट्स चैनल्स और पिट्स अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्रॉप. सच फील्ड मॉडिफिकेशंस आर मैंडेटरी फॉर द बेटर क्रॉप प्रोडक्शन. क्लियर? तो ये एक टॉपिक है आपका टीलेज, वो यहाँ फिनिश हो गया.